गाइस, वेलकम बैक टू बी द टॉपर। सो दिस इज पार्ट 3 ऑफ आवर चैप्टर 2, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट ऑफ क्लास 11 FMM। एंड हम इसका पहले ही दो पार्ट्स कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको देख लो। एंड यहाँ पर ना, जैसे मैं आप लोगों को पहले बोल रही थी कि अगर आपके पास क्लास 10th में FMM है, तो मुझे अभी थोड़े दिनों पहले ही बात पता चली है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास क्लास 10th में FMM नहीं थी। तो आई थॉट कि आपके पास नहीं है, तो मैं उतना ज़्यादा मैं उतना अच्छे से नहीं बता रही थी पहले। बट अगर आप लोगों को जो मैंने पिछला पढ़ा दिया, अगर आपको कोई भी डाउट आता है ना, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लो। या फिर अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है वीडियो में ही, तो आप क्लास 10th के लिए जो मैंने लेक्चर बना रखे हैं, क्योंकि वो इसकी तरह सेम ही हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत अच्छे से चीज़ें पता चल जाएंगी। और बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगी अब की बार कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी चीज़ों को रखूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था टेलीग्राम चैनल के बारे में, कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है जहाँ पे हम लोग क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के सारे फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट वाले बच्चे हैं। तो वहाँ पर मैं आपको प्लेलिस्ट वगैरह और जितने भी मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, वो मैं वहाँ पर आपको आपके लिए सारे डाल दूँगी। ताकि क्या रहे ना कि अगर आप एक ग्रुप में हैं और वहाँ पे कोई वीडियो आए, तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो। बाकी अगर नोटिफिकेशन आती है तो आप उसको साइड में भी कर देते हो, है ना। तो उसके लिए वो ग्रुप बना दिया है, वहाँ पर मैं सारे नोट्स भी पोस्ट कर दूँगी। जैसे ही मैं अपने ब्लॉग पे उसको डालूंगी, वैसे मैं वहाँ भी पोस्ट कर दूँगी, ताकि आपको पता चल जाए। एंड अभी शुरू करते हैं वीडियो को। चलो, हम पढ़ने वाले थे व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन, इसको पढ़ाने से पहले थोड़ा सा पीछे का हम रिकवर करते हैं अपना। What is price discovery through book building process? अब book building process क्या था, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो देख लो। कि मतलब बेसिकली ये है कि हम यहाँ पर बिड लगाते हैं, ठीक है। जो इन्वेस्टर होते हैं, दे यूज़ बिड कि कैसे हमको जो इशू प्राइस है, मतलब शेयर का जो प्राइस है वो क्या रहेगा, ये किसी बिड से सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मोटा मोटा बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब आ जाते हैं कि मेन डिफरेंस क्या है ऑफर ऑफ शेयर्स थ्रू बुक बिल्डिंग से, या फिर ऑफर ऑफ शेयर्स थ्रू नॉर्मल पब्लिक इशू से। मतलब कि दो तरीके की चीज़ें होती हैं, या तो जो कंपनी है वो बुक बिल्डिंग कर रही है, या तो वो इन्वेस्टर्स को बिड्स लगाने का मौका दे रही है, या फिर कंपनी ने खुद से कह दिया कि भाई देखो ये प्राइस रहेगा एंड इस पर आपको शेयर खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना तो एज अ विश। तो प्राइस एट विच सिक्योरिटीज विल बी अलॉटेड इज नॉट नोन इन द केस ऑफ ऑफर ऑफ शेयर्स थ्रू बुक बिल्डिंग। मतलब क्या बोल रहा है कि वो वाला प्राइस जिस पर सिक्योरिटीज अलॉट की जाती हैं, वो पता नहीं चल पाता बुक बिल्डिंग के केस में। वाइल इन केस ऑफ ऑफर ऑफ शेयर्स थ्रू नॉर्मल पब्लिक इशू, पर अगर आप नॉर्मल जो पब्लिक इशू होता है जिसमें कंपनी विद मर्चेंट बैंकर के साथ शेयर का प्राइस डिफाइन करती है, उसमें प्राइस ना पहले से पता रहता है इन्वेस्टर्स को कि क्या प्राइस होगा। और वो कैसे पता चलता है, या फिर प्रॉस्पेक्टस में, या फिर ऑफर ऑफ डॉक्यूमेंट जो भी कंपनी निकालती है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, अपने शेयर होल्डर्स के लिए, उसमें वो बताती है, तो उससे पता चल जाता है। अंडर बुक बिल्डिंग इन्वेस्टर्स बिड फॉर शेयर्स एट फ्लोर प्राइस। अगर हम बात करें कि बुक बिल्डिंग में क्या होता है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो फ्लोर प्राइस पे बिड लगाते हैं। अब फ्लोर प्राइस क्या होता है, फ्लोर प्राइस मतलब जो बेसिक जो मेन प्राइस होता है, इशू प्राइस होता है, उसी को फ्लोर प्राइस भी हम लोग कहते हैं। तो या तो फ्लोर प्राइस मान लो ये है कि मैंने बोला कि 200 रुपये, ठीक है, ये 200 रुपये मैंने फ्लोर प्राइस बताया है, तो फ्लोर प्राइस से अबव या फिर उससे ऊपर, है ना। फ्लोर या तो फ्लोर प्राइस बताएंगे कि भाई 200 रुपये हमें खरीदना है, या फिर उसके ऊपर का कोई प्राइस बताएंगे। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो कि बिलो नहीं लिखा, ठीक है। तो जो भी प्राइस कंपनी बताती है फ्लोर प्राइस बुक बिल्डिंग में ये रहेगा, तो उससे नीचे इन्वेस्टर नहीं बिड लगा सकते हैं, उससे ऊपर लगाएंगे या फिर उसी के ऊपर बोलेंगे कि भाई मुझे इसी पे खरीदना है। एंड आफ्टर द क्लोजर ऑफ बुक बिल्डिंग प्रोसेस द प्राइस इज डिटरमाइंड फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। और जब बुक बिल्डिंग का जो पूरा प्रोसेस जब खत्म हो जाता है, तब एक प्राइस डिफाइन कर दिया जाता है कि भाई ये वाला प्राइस है जिस पर ज़्यादातर इन्वेस्टर्स सहमत हैं, और ये वाला प्राइस ही हम रखेंगे। इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग द डिमांड कैन बी नोन एवरी डे एज द बुक इज बींग बिल्ट, बट इन केस ऑफ पब्लिक इशू द डिमांड इज नोन एट द क्लोज ऑफ द इशू। अगर बुक बिल्डिंग के केस की बात करें, तो यहाँ पर हर दिन डिमांड पता चल जाती है कि कितनी डिमांड लोग कर रहे हैं, कि मतलब कितना प्राइस वो रखना चाहते हैं एज द बुक, क्योंकि जो बुक है वो रोज़ बनती है, मतलब कि लोग हर दिन बताते हैं। बट अगर हम पब्लिक इशू की बात करते हैं, तो वहाँ पर ये जो डिमांड है लोगों की, ये पता चलती है हमको एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे,
जब इशू क्लोज हो रहा होता है बेसिकली, तब। अभी आ जाते हैं आगे, व्हाट इज कट ऑफ प्राइस। तो इसको देखो, इन बुक बिल्डिंग इशू द इशूअर इज रिक्वायर्ड टू इंडिकेट ईदर द प्राइस बैंड और अ फ्लोर प्राइस इन द प्रॉस्पेक्टस। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो पब्लिक इशू निकालती है कंपनी, उसमें भी प्रॉस्पेक्टस में एडवांस में बता देती है। और यहाँ पर भी अगर करते हैं, अगर बुक बिल्डिंग का अगर बात करें, तो वहाँ पर भी जो कंपनी होती है वो प्रॉस्पेक्टस में बता देती है अपने इन्वेस्टर्स को, जो इशूअर है बेसिकली कंपनी इसको बोल रहे हैं हम, तो वो अपने इन्वेस्टर्स को बता देती है कि एक या तो प्राइस बैंड रहेगा या फिर एक फ्लोर प्राइस रहेगा। फ्लोर प्राइस मैंने आपको बता दिया कि कंपनी एक प्राइस डिफाइन करती है कि भाई इसके ऊपर या फिर इससे आगे आपको जाना है। और अगर हम बात करें प्राइस बैंड की, तो प्राइस बैंड क्या होता है अगर हम देखें, तो वो अभी आपको नीचे वाले में पता चलेगा। तब तक को वीडियो को देखते रहो, अगर पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करते ही नहीं हूँ उसके बाद मुझे बार बार करके परेशान कर देते हो कि ये वाला वीडियो बनाओ, ये वाला वीडियो बनाओ, जबकि मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी होती हूँ। और टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तो अभी हम पता करेंगे नीचे की प्राइस बैंड क्या होता है। फ्लोर प्राइस मैंने आपको बता दिया, द एक्चुअल डिस्कवर्ड इशू प्राइस कैन बी एनी प्राइस इन द प्राइस बैंड। मतलब जो एक्चुअल जो डिस्कवर जो प्राइस होता है, मतलब मैंने बोला कि प्राइस बैंड का मतलब मोटा मोटा इतना है कि एक मैक्सिमम लिमिट होगी, एक मिनिमम होगी, ओके। तो मैं बोल रही हूँ कि भाई मेरा जो प्राइस बैंड है वो 200 से 240 रुपए के बीच में है, कि आपको इतने से इतने के बीच में आपको अपनी बिड्स लगानी है, ओके। तो इसके बीच में 200 से 240 के बीच में, या फिर 200 या फिर 240, इन दोनों को मिला के और इनके बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उनमें से कोई भी इशू प्राइस हो सकता है, ठीक है। तो जो ये इशू प्राइस निकल कर आता है, जो एक्चुअल जो डिस्कवर्ड इशू प्राइस होता है, उसी को हम कहते हैं कट ऑफ प्राइस, ठीक है। कैन बी इन एनी प्राइस इन द प्राइस बैंड और एनी प्राइस अबव द फ्लोर प्राइस, ठीक है। जो एक्चुअल डिस्कवर्ड इशू प्राइस होता है, भले ही वो प्राइस बैंड से निकल कर आया हो या फिर फ्लोर प्राइस से निकल कर आया हो, उसको हम बोलते हैं कट ऑफ प्राइस। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई प्राइस बैंड है तो उसमें जितने भी प्राइस है, मतलब 200 से 240, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 200 से 240 के बीच में कोई भी प्राइस, या फिर मैंने 200 अपना फ्लोर प्राइस बताया था, 200 या फिर 200 से अबव कोई भी प्राइस जिस पर ज़्यादातर लोग अग्रीड होंगे, वो कोई इशू प्राइस हो सकता है। और ऐसा जो इशू प्राइस होता है उसको ही हम बोलते हैं कट ऑफ प्राइस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं, व्हाट इज द फ्लोर प्राइस इन द केस ऑफ बुक बिल्डिंग। अभी मैं आपको इतनी देर से यही कथा सुना रही हूँ कि फ्लोर प्राइस क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है तो उसको पढ़ लेते हैं। फ्लोर प्राइस इज द मिनिमम प्राइस एट विच बिड्स कैन बी मेड। अभी मैंने आपको बोला कि 200 रुपये है, 200 से नीचे नहीं जा सकता क्योंकि 200 रुपये ही मिनिमम है, ओके। आपको या तो इसके ऊपर ही रहना है या फिर इससे आगे बढ़ना है, बट यू कांट गो बिलो इट, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, तो बहुत आसान था। अभी आगे आ जाते हैं, चलो अब इसको और अच्छे से समझेंगे कि प्राइस बैंड क्या होता है ना। बुक बिल्ट IPO, IPO क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में प्राइस बैंड क्या होता है, इसको हम पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से सुनो। द प्रॉस्पेक्टस मे कंटेन ईदर द फ्लोर प्राइस फॉर द सिक्योरिटीज और अ प्राइस बैंड विद इन विच द इन्वेस्टर्स कैन बिड। अभी मैंने आपको बताया कि कंपनी एक प्रॉस्पेक्टस निकालती है। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, जिसमें कंपनी की सारी इन्फो होती है, ठीक है। तो उसमें कंपनी फ्लोर प्राइस बता सकती है अपने इन्वेस्टर्स को कि सिक्योरिटीज का फ्लोर प्राइस कितना रहेगा। फ्लोर प्राइस क्या होता है, मिनिमम प्राइस जो होता है, ओके। या तो फिर एक प्राइस बैंड बता सकती है जिसके बीच में इन्वेस्टर्स बिड लगा सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, आगे आते हैं। द स्प्रेड बिटवीन द फ्लोर एंड द केप ऑफ द प्राइस। अभी केप ऑफ द प्राइस क्या है भाई साहब, ये तो समझ में नहीं आ रहा, केप ऑफ द प्राइस क्या है। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को समझने से पहले, इस सेंटेंस को समझने से पहले आप ये समझो कि केप क्या होता है। केप होता है द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम। मतलब जो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच, ये जो मिनिमम और मैक्सिमम जो प्राइस होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं केप, ठीक है। तो अभी इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ के समझेंगे। द स्प्रेड बिटवीन द फ्लोर एंड द केप ऑफ द प्राइस बैंड शेल नॉट बी मोर देन 20%, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने 200 और ये 240, ये मैंने मान लो कि ये मैंने 200 रख दिया, ये मैंने रख दिया 20,000, ठीक है, कि ये मेरा मिनिमम प्राइस है, ये मेरा मैक्सिमम प्राइस है और ये है मेरा प्राइस बैंड। तो भाई साहब ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है। प्राइस बैंड का जो डिफरेंस है, जो केप ऑफ द प्राइस बैंड है, वो 20% के डिफरेंस से आगे नहीं जा सकती है।
तो हमारा जो मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस है उसमें 20% का डिफरेंस होना चाहिए, इससे ज़्यादा डिफरेंस हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या तो यहाँ पर ये 80 है तो यहाँ पर ये 100 होना चाहिए, मतलब इस तरीके का कोई आंकड़ा होना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपको ये बेसिकली बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे आ जाते हैं, इन अदर वर्ड्स इट मीन्स दैट केप शुड नॉट बी मोर देन 120% ऑफ द फ्लोर प्राइस। अब फ्लोर प्राइस क्या था? जो मिनिमम प्राइस था, ठीक है, बिड्स लगाने के लिए जो मिनिमम प्राइस था वो फ्लोर प्राइस था। ये बोल रहे हैं कि 120% से ज़्यादा शुड केप जो है आपकी वो 120% ऑफ द फ्लोर प्राइस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। द प्राइस बैंड कैन हैव अ रिविजन एंड सच अ रिविजन इन द प्राइस बैंड शैल बी वाइडली डिसमिनेटेड बाई इन्फॉर्मिंग द स्टॉक एक्सचेंजेस बाई इशूइंग अ प्रेस रिलीज एंड ऑल्सो इंडिकेटिंग द चेंज ऑन द रेलिवेंट वेबसाइट एंड द टर्मिनल्स ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग इन द बुक। एंड जो पढ़ाना था वो पढ़ा दिया है, इसके आगे बढ़ते हैं। हु डिसाइड्स द प्राइस बैंड। अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है ना गाइज, उसी को पढ़ो, मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ना है इसमें, जो भी मैं छोटा मोटा थोड़ा बहुत छोड़ देती हूँ इसको आप लोग खुद से पढ़ा करो, और जो नहीं समझ में आता तो पूछ लिया करो, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। और एक एक लाइन अगर मैं यहाँ पे पढ़ाने लग गई तो आपको भी पता है कि साल बीत जाएगा पर ये बुक खत्म नहीं होगी। हु डिसाइड द प्राइस बैंड, प्राइस बैंड को कौन डिफाइन डिसाइड करता है? तो इट मे बी अंडरस्टूड दैट द रेगुलेटरी मैकेनिज्म डज नॉट प्ले अ रोल इन सेटिंग द प्राइस फॉर इशूज। जो भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, अब रेगुलेटरी मैकेनिज्म से मतलब है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो प्राइस बैंड डिफाइन करने में कोई भी पार्ट नहीं प्ले करती है, ओके। इट इज़ अप टू द कंपनी टू डिसाइड ऑन द प्राइस और द प्राइस बैंड इन कंसल्टेशन विद मर्चेंट बैंकर्स। जैसे इशू प्राइस हम निकालते हैं वैसे ही यहाँ पर भी क्या होता है कि जो कंपनी है वो मर्चेंट बैंकर्स के साथ मिलकर ही प्राइस बैंड को डिफाइन करती है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ डेज फॉर विच अ बिड शुड रिमेन ओपन ड्यूरिंग बुक बिल्डिंग। अब बोल रहे हैं कि अगर बुक बिल्डिंग प्रोसेस कंपनी कर भी रही है अपने इश्यू प्राइस को डिफाइन करने के लिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ डेज कितने होने चाहिए जितने दिनों के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे वो बिड लगा सकते हैं। तो इसका टाइम पीरियड है 3 डेज, ठीक है, कि अगर आज मान लो 27th of September है तो ये 30th तक चलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ। अब आ जाते हैं आगे, कैन ओपन आउटक्राई सिस्टम भी यूज फॉर बुक बिल्डिंग। अब ओपन आउटक्राई सिस्टम आपसे पूछ रहा है कि क्या उस सिस्टम को बुक बिल्डिंग के लिए यूज किया जा सकता है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा दैट व्हाट इज एन ओपन आउटक्राई सिस्टम। तो ओपन आउटक्राई सिस्टम क्या होता है, जहाँ पर पुराने जमाने की तरह जब हमारे स्टॉक मार्केट्स नहीं होते थे तो वहाँ पे एक बड़ा सा कमरा है, बड़ा सा हॉल है, बड़ा सा स्टेज है, वहाँ पर कोई भी चढ़कर खड़ा हो गया और चिल्ला चिल्ला के अपने शेयर के प्राइसेस एंड जो क्वांटिटी है वो बता रहा है कि भाई कोई खरीदेगा तो खरीद लो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओपन आउटक्राई सिस्टम। बट अभी ऐसा नहीं होता है, अभी हमारा नीट आ गया है और नीट का जो फुल फॉर्म है ये लोग आप मुझे बताओगे, नीट इसका फुल फॉर्म आप मुझे बताओगे, अगर आपने पढ़ लिया वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा तो सर्च करके बताना, और अगर आपने मुझे बताया ना तो सच में मुझे समझ में आएगा कि सच में आप लोग सीरियस हो, वरना फिर मैं ही यहाँ पे पढ़ाए जा रही हूँ और आप लोग कुछ पूछते भी नहीं हो, ठीक से पूरा वीडियो भी नहीं देखते, और उसके बाद क्वेश्चन जब करते हो तो वो अजीबोगरीब ही होते हैं जिसका आंसर आपको पता होता अगर आपने ढंग से वीडियो देखा होता तो। चलो अभी इसको समझते हैं, कैन ओपन आउटक्राई सिस्टम भी यूज़ फॉर बुक बिल्डिंग। अब जो बुक बिल्डिंग है तो उसको यूज़ किया जा सकता है बुक बिल्डिंग में ओपन आउटक्राई सिस्टम को, तो नहीं, इसने बोल दिया नहीं। एज पर सेबी ओनली इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड ट्रांसपेरेंट फैसिलिटी इज अलाउड टू बी यूज इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग। हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड ट्रांसपेरेंट जो फैसिलिटी है दैट इज नीट, उसी का यूज कर सकते हैं बिड लगाने के लिए इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग। द बिड्स आर सबमिटेड ऑनलाइन ओनली सो दैट द टोटल अमाउंट बिड फॉर इज ऑलवेज ट्रांसपेरेंटली नोन, ठीक है, ऑनलाइन ही किया जाता है इसका सारा काम। अभी आगे आ जाते हैं, कैन द इंडिविजुअल इन्वेस्टर यूज द बुक बिल्डिंग फैसिलिटी टू मेक एन एप्लीकेशन। इंडिविजुअल इन्वेस्टर क्या बुक बिल्डिंग फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं शेयर्स को खरीदने के लिए? यस, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ डज वन नो इफ शेयर्स आर अलॉटेड इन एन IPO और ऑफर ऑफ फॉर सेल? व्हाट इज द टाइम फ्रेम फॉर गेटिंग रिफंड इफ शेयर्स नॉट अलॉटेड? ये आपसे कह रहा है कि किसी को कैसे पता चलेगा कि उसको शेयर्स क्या कहते हैं उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और ऑफर फॉर सेल में मिला है या फिर मतलब, और अगर आपको नहीं मिले हैं, अगर आपको शेयर्स अलॉट नहीं हुए, आपने एप्लीकेशन फाइल की थी बट आपको शेयर्स अलॉट नहीं किए गए हैं, तो आपको रिफंड कितने दिनों में मिलेगा? ठीक है,
तो एज पर सेबी रेगुलेशंस का नाम दे रखा है, एज पर सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस ना 2009, द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 4 वर्किंग डेज. 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर, जहाँ से मतलब इशू क्लोज डेट है उसके अंदर अंदर अलॉटमेंट हो जानी चाहिए अगर किसी बंदे को अलॉटमेंट करनी है तो. ओके, एज सून एज द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इज कम्प्लीटेड विद इन अ वर्किंग डे द डिटेल्स ऑफ क्रेडिट टू डीमैट अकाउंट अलॉटमेंट एडवाइज एंड डिस्पैच ऑफ रिफंड ऑर्डर नीड्स टू बी कम्प्लीटेड. और एज सून एज, जैसे ही मतलब अलॉटमेंट कम्प्लीट होता है तो उसमें वर्किंग डे के अंदर अंदर अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो आपका जो डीमैट अकाउंट है उसमें जानी चाहिए क्रेडिट की जारी सारी डिटेल्स जानी चाहिए, और अलॉटमेंट के बारे में जितनी भी एडवाइस है या फिर डिस्पैच, अगर आपका कोई रिफंड आपको देना है, डिस्पैच ऑफ रिफंड भी विद इन अ वर्किंग डे हो जाना चाहिए. ठीक है, सो एन इन्वेस्टर शुड नो इन अबाउट 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू वेदर शेयर्स आर अलॉटेड टू हिम और नॉट. मतलब कि अगर हम पूरी कथा को ख़त्म करके जो हमारा क्वेश्चन है बेसिकली अगर उस पर आएँ, तो ये आपको बता रहा है कि 5 दिनों के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपको शेयर्स अलॉट किए गए हैं बाय कंपनी और नॉट. ठीक है, सो गाइज आज का ये वीडियो ना बहुत लंबा हो जाएगा, इसको हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, एंड मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो. मेरी आईडी है कोमल सक्सेना 542. थैंक यू, बाय बाय.